ये है इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक सुपर कार ऑडी ईट्रॉन जीटी आरएस। इसके अंदर काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल फीचर्स हैं। हम वैसे इसका रिव्यू इंडिया के बाहर कर रहे हैं। फ्रंट से जैसे कि देख सकते हो गर्म हो रहा भाई, लाइटों में गर्मी है, बट जैसे कि देख सकते हो भाई फ्रंट में ऑडी का लोगो लगा रखा है पूरा मैट ब्लैक कलर में। नीचे की साइड में यहाँ पे सेंसर लगा रखे हैं और यहाँ पे ऊपर की साइड लाइट। भाई यहाँ पे आपको लग रहा हो ये क्यों लगा रखा है, ये एक्चुअली ब्रेक और टायर को ठंडा करने के। वह हमको भी तो ठंडा रहना, वो ब्रेक भी ठंडी हम भी ठंडे। बट यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो, कोई हवा हवा नहीं निकल रही यार, कोई हवा जाने की जरूरत ही नहीं, इंजन को गर्म रखना ही नहीं, बस बैटरी है नीचे। खोल के दिखाऊंगी इसको। वह इसमें एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे अंदर वाले पार्ट में पोर्श लिखा है। दूंगा ये क्या हुआ भाई, बॉडी के अंदर पोर्श क्यों है, वर्ल्ड हैपन ब्रो। यहाँ पे भाई लाइट वाइट लगा रखे हैं, यहाँ पे भाई पानी वानी डालो। बट डिक्की भाई बढ़िया तो लग रही है, पूरा हाइड्रोलिक है वो। भाई देखो मैं दिखाता हूँ आपको, चार्ज करिए ऐसे ऐसे बटन दबाओ। वो तो ये जो नीचे वाला है ये नॉर्मल चार्जर, ये ऊपर वाला सुपर फास्ट चार्जर, जैसे मन करे भाई। मैं तो सुपर फास्ट, देखो मैं आपको फर्क बताता हूँ। देखो आप नॉर्मल चार्ज करो 9 घंटे, फास्ट चार्जर से करा 3 घंटे हो जाती है 5%, 85%। सुपर फास्ट चार्ज से करो 22 मिनट में फुल चार्ज। बट 22 मिनट वाले चार्जर इंडिया में बहुत रेयर मिलेंगे। चलो कोई नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। भाई एक चीज आपको शायद पता ना चले, बट आगे का टायर चौड़ाई में थोड़ा छोटा है, पीछे का टायर चौड़ाई में मोटा है, क्योंकि पीछे से जूम जूम मजा आता है। गाड़ी दिखने में बहुत ही कूल लगती है, व्हाइट कलर में अलग सी चमक मार रही है भाई। दिखने में जितनी भी छोटी लगे 2.3 टन की गाड़ी है। मैं बिल्कुल मजाक की बात नहीं कर रहा, पेट्रोल में SUVs होती है इतनी भारी। सबसे ज्यादा भारी चीज इस गाड़ी के अंदर है बैटरी। बैक साइड में देखो भाई, यहाँ पे डिक्की दे रखी है, यहाँ पे लेट सकते हैं। जैसे भाई आपका लेटने का मन है, यहाँ पे बटन दे रखे हैं भाई ऑन ऑफ करने के लिए, मतलब बंद खोलना हो भी करना। ये देखो हमने कर दिया, ओके नो प्रॉब्लम्स। काफी डिफरेंट लाइटिंग देखने में मिलती है, ऑडी की इस टाइप की लाइटिंग बस इस कार में आती है। और सबसे पहली चीज अगर आप चाबी नोटिस करो इसमें, जैसे कि देख सकते हो भाई RS लिखा हुआ है और यहाँ पे एक बटन दे रखा है, इसको ऐसे चाबी निकल जाती है अगर आपकी खत्म हो जाती है चाबी काम करने की, तो इससे आप गाड़ी को अनलॉक कर सकते हो। डोर टैप दबाओगे पीछे वाली अनलॉक हो जाती है। वाओ, बैक साइड में दो तीन चीजें आप नोटिस करो, यहाँ पे ईट्रॉन जीटी लिखा है और इस साइड पे RS लिखा है। RS का मतलब रेसिंग स्पोर्ट है, ऐसा कुछ भी मतलब तेज भागती है। नीचे की साइड पे जो दिख रहा है ब्लैक ब्लैक कलर, ये एक्चुअली कार्बन फाइबर, जिन लोगों को पता नहीं है ये मेटल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बट हल्का होता है, प्लास्टिक वाली फील आती है, बट प्लास्टिक तो प्लास्टिक है। ऊपर की साइड से भाई यहाँ से लेके यहाँ तक कांच ही कांच भाई, देखो भाई पूरा कांच भाई, सनरूफ खुलती नहीं है। लेकिन जैसे कि देख सकते हो भाई यहाँ पे पूरा कार्बन फाइबर आपको देखने में मिलता है। ये एक ऐसी चीज है जिसमें कोई इन्वेंशन नहीं है भाई, पहले भी ये छतरी की तरह ऐसे राइट लेफ्ट, इसमें कुछ इनोवेशन करना चाहिए भाई। एक बार मैं ऐसा जूम जूम करके वाइप हुआ ऐसा कुछ, ये 1950 से सेम चल रहा है, मतलब 1950 तो तुक्का मार दिया मैंने डोर बहुत टाइम से। इसमें जैसे कि देख सकते हो भाई इसमें फ्रेमलेस डोर्स है, यहाँ पे पूरी कांच पे बिल्कुल भी फ्रेम नहीं है, बट जैसे आप इसको बंद करोगे ना ये कांच ऊपर जाता है। देखो अंदर खोला, इसको अनलॉक करते ना तो काफी कूल सी लगती है। ओ भाई ये सही लगा भाई, अलग सा लग रहा था फ्रंट से भाई। अब आ गई है बारी अन्ना सी भाई, आ जाओ, आर यू रेडी। देखो इस गाड़ी के अंदर लगा रखे 18 स्पीकर, इसमें भाई म्यूजिक का भी काफी अच्छा लगा दे रखा है, वॉल्यूम अप डाउन पॉज म्यूट सब यहीं से कर सकते हो, और इसमें टच स्क्रीन टाइप है भाई डीजे। यहाँ पे भी ईट्रॉन लिख रखा है, रात में चमकता बढ़िया मजा आता है। यहाँ पे एक स्क्रीन लगा रखी है, इसमें हमने कनेक्ट कर रखा है एप्पल कार प्ले। ये एक्चुअली आपको लग रहा होगा कि भाई ये बोतल है, बट नहीं है बोतल भाई, डस्टबिन है। और इसमें अगर ऐसे खोलोगे तो यहाँ पे आ रखे हैं दो चार्जिंग पोर्ट USB टाइप सी वाले। बट इसमें ओवरऑल फिनिश अगर आप देखो ना रेड कलर में दे रखी है, और ये मेहरून से कलर में ना बहुत ऐसा मैं कंफर्टेबल नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा स्पोर्टी फील है, थोड़ा सा रिजिड सीट है, ऐसा ऐसे सीट जो भागने वाले होते हैं ना। और इसमें देखो ना हेडरेस्ट पे काफी मेहनत करी है, तो ये इसलिए दे रखा होता है क्योंकि एकदम झटका ऐसा करे। AC नीचे लगा रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर AC 1, 2, 3, 4, 5 से ऊपर नीचे, इसमें टेम्परेचर ऊपर नीचे यहाँ से करने वालों। यहाँ पे ऑटो ऑटो लिख रखा है, मैं भाई इतने पैसे दिए तो ऑटो थोड़ा चलाएंगे, गाड़ी चलाएंगे। और फ्रंट में यहाँ पे दिखा रखा है कि मतलब 300 किलोमीटर पर चल जाती है, बट हम नहीं चलाएंगे, हम सेफ रहेंगे। और ये काफी नीचे जाती है सीट ऐसे होके भी, अगर आपका मन करना चलाने का ऊपर देख के आए, देखो जब भगवान आपके साथ हो तो कोई दिक्कत नहीं आए। स्टीयरिंग में भी देखो यहाँ पे RS लिखा हुआ है, और काफी एक मतलब डॉटेड टेक्सचर है, हाथ में पकड़ने ग्रिप पर बढ़िया आ रही है। यूं लेफ्ट राइट मुड़ा लो भाई, इसमें देखो गियर चेंज करने की मजाक कर रहा था, इसमें तो गियर है ही नहीं, यहाँ पे गियर बॉक्स है कुछ ही नहीं भाई। ये एक्चुअली उसके लिए होते हैं रीजनरेशन के लिए, बैटरी कितनी तेजी से चार्जिंग हो रही है क्योंकि बैटरी पे चलती है। और यहाँ पे फ्रंट में अगर आप देखो, फ्रंट में देखो लाइट मार के दिखाता हूँ आपको भाई, बहुत तेज है लाइट
दूर दूर तक सब चमक जाता है। होता क्या है कि देखो इसको अलग अलग मोड है, यहाँ पे ड्राइव सेलेक्ट आप दबाओ, एफिशिएंसी, डायनेमिक, इंडिविजुअल, एफिशिएंसी पे चलाने वाले। कैमरे का भी बड़ा तगड़ा फीचर दे रखा है इसमें ना, 3D में कर दो। वो भाई क्या गाड़ी दिख रही है, आहा लाइटें इसमें ऊपर नीचे राइट लेफ्ट जहाँ कैमरा देखना है देखो। इसकी अपनी भी नेविगेशन है, जा सकते हो उधर उधर अगर मन करे तो भाई। इसमें ना ऐसे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा हेड्स अप डिस्प्ले, ये देखो 0 किलोमीटर पर आ रहा है ना, ये नीचे भी हो जाता है ऊपर भी हो जाता है। ये देखो ये हुई ना बात, आहा। और इसमें भी भाई कॉकपिट चेंज करनी हो स्पोर्ट में डाल देते हैं भाई। ये देखो ये कर दिया हमने स्पोर्ट्स, क्लासिक करनी है क्लासिक कर दो, मैं क्लासिक में मेरे को बढ़िया लगता है। ये भी तगड़ी चीजें होती हैं सब भी भाई। इसमें जाओगे आप कार वाली सेटिंग के अंदर, इसमें आता भाई ऑडी ड्राइव सेलेक्ट, इसमें डायनेमिक इंडिविजुअल सब सेलेक्ट करना, जो मैंने एसी का टेम्परेचर कार की डिटेल कुछ करनी है, रेंज पोटेंशियल कितना है। इसमें जो बैकग्राउंड की लाइटिंग है ये चेंज वेंज करने का मन करे आपका, बंद कर दी लाइट, रेड कलर में करना हो, कैरिबियन येलो कलर करना हो, ब्लू ही ठीक लग रहा है। पार्किंग यहाँ पे ब्रेक दे रखी है, बटन ही नहीं है भाई, वो खींचने वाला नहीं होता, ऐसे मजा आता था यार। टोक्यो ड्रिफ्ट कैसे मारूंगा मैं। इसमें ना एक चीज है कि पार्किंग ब्रेक अगर लगी ना स्टीयरिंग हार्ड रही, बट जैसी पार्किंग ब्रेक ऑफ करी अपने वो ढीला हो गया। पर चलो कोई बात नहीं, अब चला के देखते हैं भाई, चला के मजा आएगा। पेट्रोल तो ऐसे ही फूंक दिया हमने काफी, वो पेट्रोल था ही नहीं। जोक्स अभी ना हमने एक बार ऐसे मैंने एक्सीलरेटर मारा था, मजा ही आ गया, डर लग गया मेरे को एक सेकंड के लिए, तो ये उड़ तो नहीं जाएगी ऐसा मुझे लगने लगा एकदम। और बताओ थोड़ा सा ना एक स्पोर्ट्स कार वाली फील आ रही है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि सस्पेंशन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है और आपको गड्ढे वड्ढे पता नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब काफी तेज ऐसे जमीन से सटी हुई गाड़ी है और बढ़िया चलती है, आप अगर इसमें मारो एक्सेलरेटर तो दौड़ती है। हाँ भाई इसको चलाने में मजा भी आता है, परफॉर्मेंस ऑफेंस तो बढ़िया फील हो रही है, बट जैसे ही मैं हल्का सा भी अगर एक्सेलरेटर मार दूँ ना इसमें तो एकदम से ही क्या पिकअप लेती है भाई, मजा सा ही आ जाता है। बट भाई सच में भाई बहुत डर तो लगना चाहिए भाई। अभी 10 की स्पीड है, 4 तक भाई दबा देंगे बटन, 1 2 3। भाई मेरी किडनी मेरे मुंह में आ गई थी यार भाई, डर लग गया था। कैसा लगा सार तक भाई पेट में? भाई पेट तो नहीं पर कैसा लगा, सर पीछे वाली सीट पे चला गया भाई, डर सा लग गया मेरे को। एक बार फिर से हल्का चेक कर लेंगे। 0 to 100 3.3 सेकंड के अंदर ये चली जाती है, जो बहुत ही ज्यादा तेज है। मतलब इतना तेज है कि अगर आप इसे फोन रख दो गाड़ी के पीछे, फोन गिरेगा ही नहीं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, 1 2 3। हाँ भाई फट तो जाती है थोड़ी सी, पूरा एक्सेलरेटर मारो तो फट जाती है भाई। मैं ना एकदम पूरा भी नहीं दबा पा रहा एक्सेलरेटर, ऑलमोस्ट हाफ वे जाता हूँ फिर मेरी किडनी इडनी मुंह में आने लगती है, मैं रुक जाता हूँ। फिर ऊपर से भगवान की आ जाती है कि बेटा रुक जा, ज्यादा तेज मत कर, तो मैं फिर रुक जाता हूँ भाई। बता क्या हुआ, गेस कर। नहीं गेस कर पा रहा। आईफोन में कुछ हुआ, टूट गया? नहीं, आईफोन में वाला मोड ऐड करा ना अपन ने, क्रैश डिटेक्शन। भाई मैंने जब रेस मारी ना वो उसमें डैशबोर्ड में पड़ा था, हल्का सा पीछे झटका का क्रैश डिटेक्शन ऑन हो गया उसका, काम तो करता है मतलब। टेस्टिंग डर के एक सेकंड के लिए गाना बंद हो गया, फिर क्या हो गया, आईफोन खराब हो गया, कुछ हो गया भाई। बहुत तगड़ा था भाई वो, मतलब ऐसा था कि यहाँ से उछल के पीछे वाली सीट पे चला गया था फोन, तो वहाँ से ऑन हुआ वो तो क्रैश ही है फोन के लिए। इस गाड़ी का प्राइस 2 करोड़ 16 लाख रुपए, और उस प्राइस के लिए भाई डेफिनेटली काफ़ी तगड़ी तगड़ी चीज़ें प्रोवाइड करती है। इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक सुपर कार जो सस्ती हो डेफिनेटली नहीं है, बट जिस प्राइस पॉइंट पे आती है उस प्राइस पॉइंट भाई इसकी स्पीड और फीचर्स डेफिनेटली काफ़ी इंप्रेसिव। इस प्राइस पॉइंट में अगर आप गाड़ी लेने जाते हो तो आपको लैम्बोर्गिनी या फिर जितनी भी लग्जरी स्पोर्ट्स कार्स हैं वो सारी नहीं मिल पाती, वो 3-4-5 करोड़ के अराउंड की आती हैं, बट उन सबसे ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, तो डेफिनेटली भाई थ्रिल तो मिल जाता है बट आवाज़ नहीं मिल पाती जूम जूम। इसकी रेंज वैसे 450 के अराउंड क्लेम्ड है, बट 300 से 350 के अराउंड तक आपको मिल जाती है, और टॉप स्पीड मैं बोलूँगा इसकी थोड़ी सी कम है, 245 है, बट इंडिया में 245 बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आता है। मैं अगर पावर की बात करें 637 हॉर्स पावर और 93 किलोवाट आवर बैटरी, दोनों ही चीज़ें बहुत तगड़ी होता था। ऐसा वीडियो पूरे आपको मजा आओ, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना भाई आपको गाड़ी वाड़ियों की वीडियो कैसी लगती है जो हम पूरा रिव्यू बनाते हैं, अगर अच्छी लगती है तो बताना और बनाएंगे। चलो बाय।